मैडम जी मैं तो सो रही थी, पता भी नहीं चला कब ये चिट्ठी छोड़ के निकल गया एक बार। घबराई मत, हम कुछ करते हैं। फोन? संतोष शर्मा फोन लगाइए। हमें नहीं इकबाल को फोन लगाइए। ओ सॉरी, मुझे लगा आपका फोन ढूंढ रही थी तो सॉरी। मैडम सर, इकबाल का फोन स्विच ऑफ बता रहा है। मैडम जी हम क्या कह रहे हैं, जरा लेटर पढ़िए तो, मतलब कम से कम पता चले इकबाल ने लिखा क्या है। हम सबका जिगरी यार था। जिगरी यार क्या मतलब, ये समझो कि भाई जैसा था, है ना मदराम? अब फिर क्या, हमारा छुटवा था, कलेजा टुकड़ा था, कलेजा फेपड़ा था वो हमारा। अब देखिए मैडम, हम सब जानना चाहते हैं इकबाल गया कहाँ। सब लोग जानना चाहते, क्यों भाई लोग? हाँ बोलो। क्या हाँ, कुछ बोल नहीं रहे, छाती पर चढ़ो, चलो निकलो, बाहर निकलो वहां से। चीता रुको, जानना चाहते हो ना तुम लोग क्या लिखा है इसमें? हम ही पढ़ के सुनाते। प्यारी अम्मी आदाब, आप ही कहा करती थी ना कि चार पैसे संभाल के रख, बुरा वक्त कभी दस्तक देकर नहीं आता। काश आपकी बात हमने मान ली होती। लॉकडाउन की वजह से पूरा काम धंधा चौपट हो गया है। 3 महीने से दुकान बंद है, ना कोई आमदनी ना कोई कमाई, और कर्ज है कि जंगली बेल की तरह बस बढ़ता ही जा रहा है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद थोड़ी सी उम्मीद जाकी, पर इस महामारी के डर से अब लोग बाल कटवाने या शेव करवाने भी नहीं आते दुकान पे। दोस्तों को पैसा भी नहीं लौटा पाया, उसका प्रेशर अलग से है। अब और सहा नहीं जा रहा, मुझे माफ करना, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज अम्मी। करिश्मा सिंह, पता लगाइए कौन से हैं वो यार दोस्त जिनके प्रेशर में आकर ये सब कर रहा है। पकड़िए उन्हें और डालिए लॉकअप में। अब देखो, हमारी इकबाल जैसे कोई खास दोस्ती थी नहीं, खाली ऐसे मतलब हल्की फुल्की दुआ सलाम थी पास पड़ोसी के नाते, और कोई खास ऐसी बात नहीं है। मतलब बताओ फिर क्या। मैडम सर देखिए, हमारे ऐसा कोई खास दोस्त नहीं था। अरे यार क्या मजमा लगा रहे हो, चल रे चल। सुनिए, इकबाल कोई गलत कदम उठाए उसके पहले हमें उसे ढूंढना होगा जल्द से जल्द, ओके? अरे ये क्या? मैडम सर ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई है थोड़ी देर में, लेकिन अगर इन्हें होश नहीं आता है तो डॉक्टर को बुला लीजिए। जी मैडम। और हाँ, जैसे ही ये होश में आती हैं, जितने भी रिश्तेदार दोस्त यार जानने पहचानने वाले जो कोई भी है सबका कॉन्टेक्ट निकालिए, देखिए क्या पता चलता है। चीता चतुर्वेदी। जी मैडम सर। इकबाल का फोटो लेकर जाओ, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां जाके पता करो, देखो कि इसको करंट सिचुएशन के बारे में कुछ पता चलता है या नहीं। जी मैडम सर। ठीक है। संतोष शर्मा, कॉल हिस्ट्री निकालिए, देखिए उसने लास्ट कॉल किसे, कितने बजे और कहां से किया था। जी मैडम सर। लेके जाइए। जी मैडम सर। चीते नूरजहां जी। नूरजहां जी। नूरजहां जी। उठाना है, हार्ट अटैक नहीं देना। हाँ उठा ही रहे हैं हम। ऐसे उठ नहीं रही थी तो। अब तक तो इनको होश में आ जाना चाहिए था, डॉक्टर को बुलाएं क्या? अरे नहीं नहीं मैडम सर, बोलिए कि बहुत ज्यादा सोचती हैं, स्ट्रेस में हैं, इसी वजह से ऐसे बेहोश हो गई हैं। तो अब कैसे इनको होश में लाएं? पुष्पा जी हम है ना चीता चतुर्वेदी और वुमेन साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट। देखिए हम दो बात बोलेंगे टप से उठ के बैठ जाएंगी। देख बाबू देख। हाँ देख रहा हूँ। अरे नूरजहां जी बताइए, आप यहाँ पर लेटी हुई हैं, उधर अपने चूल्हे पर गैस ऑन करके दूध चढ़ा के छोड़ दिए, जाइए उसको बंद कर दीजिए, दूध निकल जाएगा। उठी नहीं उठी। नहीं उठ रही। आगे आगे दूसरा टाइम। बताइए नूरजहां जी, आप यहाँ पर लेटी हुई और आपके सोहर वहाँ मार्केट में दुद्दू को औरत के साथ घूम रहे हैं, गलत बात है, बहुत गलत बात है। उठी उठी। नूरजहां जी उठी उठी
इकबाल, इकबाल, हमारे इकबाल का कुछ पता चला? हाँ, हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं पर अभी तक कुछ। क्यों किया होगा उसने ऐसा? पहले कभी बिना बताए कहीं नहीं गया। देखिए, हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस आप हौसला रखिए, आप हमें थोड़ी जानकारी दे दीजिए, आपके ऐसे कोई रिश्तेदार या उसके कोई दोस्त जहाँ वो जा सकता है उनके नंबर दे दीजिए। जीते कागज पेन लेकर याद करने की कोशिश कीजिए, ऐसा कोई उसका दोस्त जी। हाँ बताइए। बोलिए, हम लिख रहे हैं, बोलिए। कॉन्सेंट्रेट, ध्यान लगाओ। तू SHO ना बन गई हो, SHO बनना बाकी नहीं है, SHO बन गई हो। जय हिंद। SHO बनने की खुशी में हार्दिक शुभकामना मैडम। ये तो होना ही था, आखिर में आपने कर दिखाया। हम तो पहले से कहते थे हमारी बहुरानी एक दिन जरूर हमारे खानदान का नाम रोशन करेगी। जय हिंद मैडम सर। कांग्रेचुलेशंस करिश्मा सिंह, आखिरकार आपने साबित कर ही दिया कि आप सही हैं और हम गलत। अब हमें मानना ही पड़ेगा कि आपका तरीका काम करने का बिल्कुल। आपको तुमका कुछ नहीं सुनना। अरे सुनना यार, सच्चाई सुननी पड़ेगी। भैया देखो, तुम माफ क्या करें यार, सब तुम्हारे चक्कर में हुआ है। हमारे चक्कर में क्या हुआ? सब तुम्हारे चक्कर में हुआ है। अरे हमारे चक्कर में कैसे हुआ, सब तुम्हारे चक्कर में हुआ, तुम मानो चाहे ना मानो। जोर से बोलिए मैडम सर, सुनाई। हम कह रहे थे कि काम करने का आपका तरीका। हमारे चक्कर में हुआ? अरे एक बार हमारे भाई जैसा था, अब तुम्हारी बिरयानी खा के ना 370 के चक्कर में वो चला गया है। अरे हमारी बिरयानी तो पूरा लखनऊ खाता है, तो इसे पूरा लखनऊ चला जाएगा। ये सब तुम्हारी चाय के चक्कर में हुआ, तुम्हारी 4-6 गिलासिया चाय पी ली तुमने, उसकी नाक में दम कर 70 के चक्कर में गायब हुआ। अब से काम पे किया जा रहे हो, पूरा कॉन्सेंट्रेशन का धज्जा उड़ा के रख दिया हमारा, टोपा कही के दोनों की दोनों। तुमको क्या लगता है बे, तुम्हारे 470 रुपए के? इसके 300 बात। चुप रहो, तुम्हारे चाय बिरयानी के चक्कर में भाग गया क्या वो? कहीं नहीं गया है, आ जाएगा, हम उसको खोज निकालेंगे। मरना इतना आसान नहीं होता है। तो ठीक है, फिर तो पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ कुछ खबर मिला क्या उसका? कुछ नहीं होगा उसको, हम बता रहे। अरे यार कुछ हो ना हो यार, तुम चाय पिलाओ, ये तो पुलिस अपना काम करेगी। चाय निकल। अरे भैया खो गया तो खाना पीना छोड़ देंगे क्या? हम अपने प्राण त्याग देंगे क्या? जैन मैडम सर, नूरजा के जितने भी रिश्तेदार है सबसे बातचीत किया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। ऐसे कैसे, कोई ना कोई दोस्त किसी को तो। जैन मैडम सर, शहर के लगभग सारे हॉस्पिटल की रिपोर्ट आ गई है, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में इकबाल नाम का कोई भी पेशेंट एडमिट नहीं हुआ। जैन मैडम सर, इकबाल की लोकेशन हिस्ट्री और कॉल रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए टेलीकॉम कंपनी को रिक्वेस्ट भेज दी है। ओके संतोष, टेलीकॉम कंपनी पर प्रेशर बनाओ, बोलो हमें वो रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। जी मैडम। ठीक है, तुम लखनऊ के आसपास जितने भी छोटे मोटे गांव हैं, शहर हैं, जिले हैं, वहां पर जाओ, सारे हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में, हर जगह इकबाल का फोटो दो, देखो क्या पता चलता है। जी मैडम सर। और करिश्मा सिंह, कौन है जिसने हमारी इजाजत के बिना हमारा पंखा तुम्हारे लॉकअप में रख दिया? बिल्ले बता दे हमको, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, कह रहे हैं हम तुमसे। पुष्पा जी क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही हैं आप? देखिए ना मैडम सर, हमारे साथ क्या हुआ है। क्या हुआ? हमारा पंखा मैडम सर, हमारा पंखा हमारी इजाजत के बिना किसी ने बिल्लू के लॉकअप में रख दिया और चाबी छुपा दी। पंखे की? लॉकअप की, कि हम हमारा पंखा वापस ना निकाल लें। और देखिए देखिए कैसे हमारे पंखे से मजे से हवा ले रहा है वो। करिश्मा सिंह। मैडम सर, दरअसल बात ये थी कि हम बैठे ना बिल्लू के साथ उसके लॉकअप में इकबाल के केस के लिए बातचीत कर रहे थे, बहुत गर्मी लग रहा था,
हमने सोचा कि ये पंखा उठा के यहाँ रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब लॉकअप का चाबी ही नहीं मिल रहा है। जैसी चाबी मिलेगा वो पंखा वहां से उठा के हम आपके टेबल पे रख देंगे, ठीक है? अच्छा, तो अब बता रही हैं आप ये? कब से तो हम गला फाड़ फाड़ के पूछ रहे हैं। और रखना था तो अपना पंखा रखना था ना, हमारा पंखा क्यों रखा, और वो भी हमारी इजाजत के बिना। समझते हैं हम, सब समझते हैं। आप ना रोज रोज हमको परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते, मगर हम भी छोड़ेंगे नहीं आपको, हम भी छोड़। मैडम सर, बोलो। इकबाल की लोकेशन हिस्ट्री और कॉल रिकॉर्ड दोनों का पता चल गया है, लेकिन रिकॉर्ड में कुछ ऐसा जो थोड़ा शॉकिंग सा है। ऐसा क्या है? आप आइए मेरे साथ। मैडम सर, इकबाल का फोन ऑफ होने से पहले लास्ट कानपुर की लोकेशन बता रहा। कानपुर? कानपुर में कहा? कानपुर में कोई भज्जा पूर्वा करके जगह है वहां। अच्छा, और उसके बाद? उसके बाद ये रेलवे कॉलोनी में लास्ट इकबाल की लोकेशन ट्रेस हुई थी। ये देखो, इसकी माँ बेचारी परेशान यहाँ पड़ी है और उसको कुछ पड़ी ही नहीं है। वो अकेला सोलो ट्रिप पे निकला है। उधर ही ट्रिप हुआ तो? और मैडम सर, दोनों ही जगह जाने से पहले उसने दो कॉल लगाए थे और दोनों ही फीमेल को लगाए थे। पहला कॉल किसी फातिमा को लगाया था और दूसरा किसी कविता जोशी को लगाया था। मैडम जी, ये कविता जोशी हम जानते हैं, हमारे इकबाल की टीचर हुआ करती थी। और ये फातिमा, ये कौन है? नहीं जानते। पुष्पा जी, फौरन इन दोनों को कांटेक्ट करिए और उन्हें थाने बुलाइए जल्द से जल्द। इन दोनों से हमें कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी जो हमें इकबाल तक पहुंचाएगी। पुष्पा जी, प्लीज जल्दी करिए, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। जी मैडम सर, बस ऊपर वाले से यही दुआ है कि कुछ होने से पहले हम इकबाल तक पहुंच जाए। बचपन में आपने तो कंटाक मारे होते ना कसके, तो आज ये नौबत नहीं आता। जरूरत से ज्यादा लाड प्यार भी ना दिमाग एकदम खराब कर देता है। आने दो उसको, और लगने दो हमारे हाथ उसको वो सबक सिखाएंगे ना कि फिर कभी अपनी माँ को छोड़ के जाने का बात नहीं करेगा। करिश्मा सिंह प्लीज, ये केस बहुत ही सेंसिटिव है, हम ये कंटाप पंटाप की तो बातें भी नहीं कर सकते। देखिए, हमारा मकसद इकबाल की सिर्फ जिंदगी बचाना नहीं है, उसे जिंदगी की कीमत सिखाना भी है, जिंदगी से दोबारा प्यार करवाना है। इसलिए हमें बहुत ही प्यार, अपनेपन और जज्बात से काम लेना होगा। सो प्लीज मैडम सर, हमारा मकसद भी वही है जो आपका मकसद है, हम भी वही चाहते हैं जो आप चाहती हैं। हमें भी उसका इतना फिक्र है जितना आपको है। हम चाहते हैं कि इकबाल सही सलामत अपनी माँ के पास लौटे और फिर कभी अपने माँ को छोड़ के जाने का ख्याल भी अपने मन में ना लाए। बस तरीके का फर्क है, इसलिए हम कहते हैं कि हमें हमारा सीआर रिपोर्ट दे दीजिए ताकि हम अपने थाने को अपने तरीका से चला सके और आपको दिखा सके कि थाना असल में चलाया कैसे जाता है। हम अपना ही हाँकते रहोगे या हमारा भी सुनोगे? हाँ, जितने भी मेडिकल स्टोर तुम्हारे एसोसिएशन में है ना, उन सबको तुरंत अलर्ट करो। जैसे ये बंदा दिखाई देगा ना तुम्हारे किसी भी मेडिकल स्टोर पे, तो तुरंत, तुरंत मतलब समझते हो ना, तुरंत आसपास के थाने में या फिर हमको खबर करो। देखो, जो वो बंदा है ना, वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, जान वान देने के चक्कर में है, तो इसीलिए सब कुछ सावधानी के साथ होना चाहिए। समझ गए? समझ गए तो फिर फटाफट काम पर लग जाओ। हाँ, वो फोटो जो है ना, हम तुमको मैसेज कर दिए, चेक कर लेना, ठीक है? चलो चलो, काम पर लगो। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या मैडम, वो किताब का फॉर्मूला काम आ रहा है कि नहीं? नहीं नहीं, मतलब आएगा आएगा, मतलब आएगा जरूर, लेकिन आएगा मतलब हम, इतना बढ़िया वाला तुम हमको फॉर्मूला बताए हो बिल्ला, मतलब एकदम रियल वाला फीलिंग आता है हमको। वाह, जब हम विजुलाइज करते हैं ना, तो हम गोमती नगर के एसएचओ बन गए फिर, और सबको हमको सल्यूट कर रहे हैं, हम चार्ज ले रहे हैं, हमारे प्रमोशन की खुशी में मिठाई बांटा जा रहा है, एकदम बढ़िया वाला हमको बताया, एकदम मजा आ गया बिल्कुल। हमारा पूरा बॉडी ना एकदम आत्मविश्वास से सराबोर हो गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया बिल्कुल। वाह वाह वाह, जैसे आपको मजा आया वैसे मुझे भी मजा आना चाहिए। मैं भी शिद्दत से चाहता हूँ कि परमानेंटली फैन लग जाए, फिर बिल्लू द कूल कर दिया ना टोपा वाली बात बिल्कुल। का बात कर रहे हो बे, हमारा प्रमोशन हो गया, हम एसएचओ बन गए, तो तुम ये फैन एसी लगवाएंगे बे? एसी? देखा, मैंने शिद्दत से चाहा और वो पूरा हो गया। हाँ, बात तो सही है, तुमने चाहा और पूरा हो गया।
एकदम डेढ़ टन वाला एसी लगवाएंगे तुम्हें, ठंडी ठंडी हवा खाना अपने लॉकअप में और हमको याद करना बिल्ला। हाँ बिल्कुल टन टनाटन याद करेंगे। हाँ बस प्रे करो कि हमारा ये ड्रीम पूरा हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रे करेंगे, आपका ये सपना पूरा हो गया समझो। खाना खाओ। मिला था इकबाल मुझे, बहुत उदास लग रहा था, दुखी टाइप। मैडम जी ये चाय लीजिए, आपके लिए स्पेशल वाली कड़क वाली चाय बनाई मैंने। ये कौन है? ये बदनाम है हमारा चाय वाला। क्यों? नहीं नहीं मैं इनके बारे में नहीं कह रही हूँ, ऐसा मेरे मुंह से निकला इकबाल को देखकर, मैंने उसे पहचाना ही नहीं, इतने दिनों के बाद मिल रहा था तो मेरे दिमाग में सवाल आया ये है कौन, फिर मैं उसे पहचान गई, अरे ये तो अपना इकबाल है और इसे तो मैंने पढ़ाया है, ये तो हमारा बच्चा है। और देखिए मैडम क्या है कि वक्त हमारे पास बहुत कम है, इकबाल कोई उल्टा सीधा कदम उठा ले उससे पहले हमें उस तक पहुंचना है, इससे प्लीज आप मेहरबानी करके जरा मुद्दे पर आइए और शॉर्ट में निपटाइए। हाँ ये भी यही कहते हैं। कौन? पिंकी के पापा कहते हैं कि मैं बात करने में ना बहुत डिटेल में जाती हूँ, और डेविल इज इन द डिटेल ना। हमको तो फिलहाल डेविल यही लग रही है। क्या हुआ? करिश्मा मैडम कह रही थी कि आप शॉर्ट में और जितना जल्दी बताएंगी तो अच्छा, इकबाल का जान खतरे में है। सॉरी। इट्स ओके। नहीं नहीं इकबाल सॉरी बोलने आया था, कह रहा था कि 8 साल पहले मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मैडम, आप मुझे माफ कर दीजिए। क्यों ऐसा क्या हुआ था 8 साल पहले? 8 साल पहले मुझे याद है, मैं ना स्कूल में थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, फिर अचानक मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया, मेरे पापा ने फौरन मुझे घर पे बुलाया, फिर मैं फौरन प्रिंसिपल के ऑफिस में चली गई और उन्हें मैसेज दिखा दिया, तो बताया कि मुझे जाना है, जाने का परमिशन दे दीजिए। तो प्रिंसिपल साहब ना लंच कर रहे थे, उनके घर से खाना आया था, तो उन्होंने मुझे ना अपना खाना शेयर करने के लिए इंसिस्ट किया। अब प्रिंसिपल है, मना करूंगी तो बुरा मानेंगे ना। इकबाल पर, इकबाल पर आइए। हाँ वो आ रहा है वो, थोड़ा जल्दी आएगा तो अच्छा होगा। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि जब मैं बाहर निकली तो ये क्या क्या हुआ? नहीं नहीं ऐसा मैंने सोचा कि रास्ते पे एक भी रिक्शा नहीं है, मैं देख रही हूँ कोई रुकता ही नहीं है, मैं हाथ दिखा रही हूँ, मैं आवाज दे रही हूँ, गला फाड़ के चिल्ला रही हूँ, अरे रिक्शा, कोई रुकता ही नहीं है। फाइनली एक रिक्शा आया और फिर मैं रिक्शे में बैठ गई और चली घर। हाँ मैं घर में पहुंची तो मुझे देखने के लिए लड़के वाले आए थे, इसीलिए मेरे पापा ने मुझे घर पे बुलाया था। तो मैं घर में पहुंची, लड़के से मिली, लड़का बड़ा अच्छा था, उसकी नौकरी भी अच्छी थी, तो बस हमारा रिश्ता पक्का हो गया और शादी तय हो गई। और फिर इकबाल ने ऐसा प्रैंक खेला कि मेरी शादी टूट गई, रिश्ता टूट गया, सब खत्म हो गया। अच्छा क्या प्रैंक? जवाब 4 लाइन में है। इकबाल ने एक लव लेटर मेरे पर्स में रखा था, वो किसी लड़के ने किसी लड़की को लिखा हुआ था, वो मेरे मंगेतर ने देख लिया, उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और हमारा रिश्ता टूट गया। अब फिर 4 लाइन खत्म हो गया। आप बात प्लीज खत्म कीजिए। मुझे नहीं पता चला था कि ये किसकी वजह से हुआ, जब इकबाल ने आकर मुझसे कहा और अपनी गलती की माफी मांगी तब जाके मुझे पता चला कि उसकी गलती थी और उसने जानबूझ के नहीं किया था, उससे अनजाने में हो गया था, इसलिए मैंने उसे माफी दे दी। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, अब आप जा सकते हैं। ठीक है ओके, तो हम आप सब
इकबाल बहुत अच्छा बच्चा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वो सुरक्षित अपने घर में पहुंच जाए। या बिल्कुल, थैंक यू। एनीवेज, हमें आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि हम पर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है और वक्त बहुत कम, इसलिए जब तक हम इकबाल तक पहुंच नहीं जाते, उसे बचा नहीं लेते, कोई घर नहीं जाएगा। हम पुलिस हैं और हमारे रहते किसी की जान नहीं जा सकती। इज दैट क्लियर? यस मैडम सर। करिश्मा सिंह, वो लड़की फातिमा जिससे इकबाल प्यार करता है, कहाँ है? फातिमा से बात हो गया मैडम सर, वो बस आ जाएगी। अब ये फातिमा ही हमारी आखिरी उम्मीद है इकबाल तक पहुंचने की।